मदर टर्न की हिफाजत ना करूं, मैं माइनॉरिटी होते हुए पर क्या ना, आप माइनॉरिटी का स्टेटस भी एंजॉय करना चाहते हैं क्या? मैं ना, एक सेकंड, आप माइनॉरिटी का स्टेटस भी एंजॉय करना चाहते हैं? ऐसा तो हर हाथ में लड्डू तो नहीं हो सकता ना। इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। जो लोग झूठे यहाँ बैठकर बोल रहे हैं, और इनसे सुबोई खान से कहिए कि ये किसकी बात करते हैं। सुबोई खान आइए, आप फिर गौरव भाटिया, मैं आपको बताता हूँ। सुबोई जी, जी जी कौन सी जुबान बोलते हैं भैया? रशीदी साहब, हो गई आपकी बात? या तो आप हो गई रशीदी साहब, सुन लीजिए। या कहिए रशीदी साहब, बात सुन लीजिए, हिंदू होकर बात सुन लीजिए। आप सुबोई खान नाम भी रखते हैं? नहीं, हिंदू हो नहीं चुकी हूँ और कहते हैं ये लोग। अरे रशीदी साहब, बोलिए सुबोई खान जी। जी रशीदी साहब, बार बार आपको बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ता है। हिंदू हो नहीं चुकी हूँ, हिंदू हूँ। आप भी भारत में पैदा हुए हैं, आप भी हिंदू हैं। हिंदू इज अ नेशनल आइडेंटिटी। भारत में पैदा होने वाला हर आदमी हिंदू है। आर्टिकल 30 का आप हवाला दे रहे थे, मैं पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन का बता चुकी हूँ कि रिलीजियस माइनॉरिटीज को अधिकार है अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का, लेकिन सिर्फ माइनॉरिटीज को अधिकार है। आप अमीश, आपको एक बात मैं ऐसी एक्सपोज करती हूँ आपके चैनल पे जो इनकी हवाइयां उड़ जाएंगी। अब आपको समझ में आया कि एनआरसी जरूरी क्यों था? क्योंकि बहुत सारे इंपोस्टर्स घुसपैठी है हमारे देश में रह के माइनॉरिटी स्टेटस एंजॉय करते हुए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेटअप कर लेते हैं और हमारे देश में ट्रेनिंग देते हैं, हमारे देश की रिसोर्सेज को खा के हमारे देश के खिलाफ आतंकवादी तैयार करते हैं। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को गारंटीड है, इसलिए एनआरसी जरूरी थी। अब समझ आया आपको? इसलिए एनआरसी जरूरी थी। एनआरसी के आड़ में आर्टिकल 30 का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे इंपोस्टर्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेटअप करके हमारे देश को आतंकवाद को हमारी रिसोर्सेज पे पालते थे। आप जानते नहीं, आपको आर्टिकल 14 और 15 याद है? इसके अलावा संविधान है ही नहीं क्या? आर्टिकल 14-15 के अलावा संविधान नहीं मुझे है क्या? अभी आर्टिकल आप आर्टिकल सुनिए, 29 पढ़िए, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक सारे फंडामेंटल राइट्स याद है मुझे। मुझे आर्टिकल 51 ए भी याद है, मुझे फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी पता है। आपकी तरह संविधान बचाने का ड्रामा नहीं करती, संविधान को पढ़ती हूँ। मुझे फंडामेंटल राइट्स भी पता है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी पता है। सिर्फ आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 रखती नहीं हो। पहले आर्टिकल 51 ए भी याद है मुझे, दिल से याद है। सिर्फ अधिकार नहीं है आपके, इस देश के लिए कुछ कर्तव्य भी है आपके। नागरिकों को बनाते कुछ कर्तव्य भी है, हर वक्त माइनॉरिटी बन के देश